तो क्या हाल है मित्रों, जय श्री राम। अब लगभग सावन जैसे कि खत्म हो ही चुका है, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, बट ये है कि आइडिया ये है कि आपने देखा होगा मैंने लास्ट टाइम एक पानी की हौज बनाई थी गाय वगैरह के लिए और पशु पक्षियों के लिए। तो अब हम मेरा माइंड में था और शुरू से भी था कि यार एक पौधा लगाया जाए, अपने सामने ही एक बड़ा पेड़ बनेगा। डिसाइड किया है कि नीम का पेड़ लगाया जाए। रीजन बहुत मतलब आयुर्वेद वगैरह में भी यूज होता है, बहुत यूजफुल है, छाया भी देता है। नीम का का पेड़ पेड़ सिलेक्ट किया है, चॉइस किया है, और वो भी खरीदना नहीं है। अभी आसपास आप मेरे देख रहे हो, दोनों साइड ग्रीनरी टाइप है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे जो नीम का पेड़ होगा उसके आसपास किसी छोटे पौधे को देखेंगे और उसको यहाँ से पिक करूंगा, और उसके लिए मेरे पास एक टूल है, और उसको प्लांट करेंगे उस जगह पे जो मैंने वहाँ पे डिसाइड किया है, और थोड़ा उसको प्रोटेक्ट करूंगा, और बाद में फिर कुछ दिन उसकी केयर करेंगे, देखते हैं अगर वो ग्रो हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले ढूंढना शुरू करता हूँ कहाँ पे मुझे नीम का एक पौधा मिलता है, जो मैं फाइनल करता हूँ लेने के लिए, और वहाँ पे लगाएंगे उसको फिर। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो यार ये बहुत अच्छी ग्रीनरी टाइप जगह एक है, एक बेसिकली एक ओपन ग्राउंड है जहाँ से लोग अक्सर मेट्रो वगैरह के लिए जाते हैं। वो मेट्रो है ब्लू कलर का, अगर आपको सेंटर में दिख रहा हो मेट्रो स्टेशन है। तो यहाँ नीम का पेड़ देखते हैं और फिर उसके आसपास किसी छोटे पौधे को देखेंगे, और प्लान आगे चेंज भी हो सकता है, हो सकता है कोई और पौधा मिल रहा है। तो लेट्स सी, बहुत बड़ा पार्क है यार। नीम का पेड़ कहाँ मिलेगा? नीम का पेड़ कीकर वगैरह के पेड़ बहुत ज़्यादा है। कीकर के पेड़ सबसे बेकार ही होते हैं एक तरह से, मैंने सुना है। वो अंग्रेज़ों के टाइम से दिल्ली और आसपास के एरियाज और पूरा नॉर्थ में प्लांट किए थे, बिल्कुल इनफर्टाइल कर देते हैं वो उसको, जो ज़मीन होती है उसको, और किसी काम के भी नहीं होते, कांटे वगैरह अलग से मतलब ढूंढ के लाए थे अंग्रेज भी। तो भैया नीम का पेड़ कहाँ है? तो गाइज ये एक नीम का पेड़ दिखा है, अब बस आइडिया से लेट्स सी कि यार यहाँ इसके नीचे कोई पौधा है छोटा नीम का। ये नीम का एक बड़ा पेड़ है, तो इसके आसपास ऑब्वियसली छोटे पौधे हो सकते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हो ये भी एक नीम का पौधा है छोटा सा। तो ऐसे ही पौधे को लेके मैं उस जगह पे प्लांट करूँगा, आज का आइडिया यही है बस, तो सिर्फ ये आइडिया है। ऑल्दो मैं खरीद सकता था प्लांट पौधा, लेकिन मुझे खरीदना नहीं है। रीज़न ये कि यार खुद से लेके लगाना, इसको एक अच्छी पोजीशन पे लेके जाना ये ज़्यादा अच्छा है, बाय रादर देन मतलब लेने के, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा पौधा नहीं है, इंडियन प्लांट है, कहीं पे भी इजीली मिल जाता है, तो क्या ही खरीदना। तो आइए चलते हैं, इनमें से एक अच्छा पौधा लेके उसको उस जगह पे प्लांट करेंगे जहाँ पे हमने गाय के लिए हौज बनाई है। और आइडिया ये है कि फ्यूचर को देख के कि यार कल को अगर आज से कुछ साल बाद जब वो बड़ा पेड़ बनेगा तो गाय फिर वहाँ धूप में चले जाती है वहाँ से, तो फिर गाय ना धूप में कहीं जाएंगी नहीं, दिन में भी गाय वहाँ पे बैठ सकती हैं। आइए चलते हैं, पहले मैं डिगिंग करता हूँ, इसको खोदता हूँ, देखो निकालते हैं इनमें से कोई एक पौधा और फिर उसको दूसरी जगह रीप्लांट करेंगे। तो ये है सेक्टर 14 द्वारका का मेट्रो स्टेशन, जिसके यू टर्न के पास से मुझे ये नीम का पौधा मिला है। और जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये है सहजन की फली होती है जो हम सब्जियों में खाते हैं, उसका एक तना है, इसको मैंने प्लांट कर दिया है यहाँ पे। अब इससे होगा ये कि मैंने एक पौधा यहाँ से लिया है, तो मैंने इन रिटर्न ये भी लगा दिया। तो यार ये वो गाय की हौज है जो कभी पापा के साथ मिलके हमने बनाई थी, भाई और हम सब ने, और ये वो पौधा है जो मैंने नीम का यहाँ प्लांट कर दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज व्यू से, इतने सारे पत्थर निकाले हैं मैंने, डिगिंग करी अच्छी खासी 1 फीट के करीब, ये बड़े बड़े पत्थर निकले हैं, ठीक है। इसके बिना कोई भी पौधा लगाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपको अच्छी उसको मिट्टी देनी होती है, नीचे अगर ऐसे पत्थर होते हैं तो दिक्कत होती है। 1.25 फीट खोदा है तो बहुत मेहनत लगती है यार, तो ये करके ही अगर आपको करोगे तो इतना तो खोदना, और फिर मैंने प्रोटेक्शन करी है ये
ताकि ये मतलब लकड़ी वगैरह से प्रोटेक्ट किया है ताकि ये आगे सर्वाइव कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो। बाय बाय, जय श्री राम।